अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग और क्या चल रहा है भाई? पेपर आ गए, तैयारी कैसी है सबकी? उम्मीदें अच्छी होगी। चलो भाई, अगर किसी को कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिएगा। आई विल ट्राई टू डू जो जो मैं आप लोग के लिए कर सकती हूँ इतने डेज में मैं कर दूँगी, ठीक है? नाउ लुक एट द फर्स्ट MCQs, विच इज़ अ बायोलॉजिकल फंक्शन विच परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज। बायोलॉजिकल फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें गैसेस का तबादला होता है, यानी गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस इन एंड आउट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन या ग्रोथ? ग्रोथ में क्या गैसेस का तबादला होता है? नो, फोटोसिंथेसिस में होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, प्लांट्स में हो रहा होता है। रेस्पिरेशन ह्यूमंस में चल रही होती है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, फोटोसिंथेसिस आउटसाइड आती है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड आती है और ऑक्सीजन इनसाइड जाती है। तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नाउ प्लांट थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थ्रू प्लांट्स जो हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं किसके ज़रिए? बेटा प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ना, इनके सरफेस के ऊपर माइन्यूट ओपनिंग होती है, याद रखना। माइन्यूट मतलब बहुत छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमेटा। तो इसके ज़रिए प्लांट्स जो हैं वो गैसेस का भी एक्सचेंज करते हैं और इसी के ज़रिए ट्रांसपायरेशन का भी प्रोसेस होता है, ठीक है? इसके अलावा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस किससे होता है? इसी से होता है। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं गटेशन, ठीक है? मैं एक साथ ना आप लोगों के बहुत सारे MCQs क्लियर करती जाऊँगी। गटेशन एक स्पेशल किस्म के पोर्स से होता है, जिनको हम हाइड्राथोट्स कहते हैं, क्लियर? अच्छा भाई, स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमेटा एक से बहुत सारे सेल्स होते हैं, स्ट्रोमा एक सेल है। अच्छा, तो स्ट्रोमा जो होता है ये दो गार्ड सेल से बनता है, यानी ऐसे करके किडनी के शेप के दो गार्ड सेल्स होते हैं, इनसे हमारे पास क्या बनता है? स्ट्रोमा बनता है, ठीक है? आज बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, पेपर कैंसिल होगा। अरे भाई मुझे क्या पता, मैं तो सो रही थी भाई। अच्छा भाई, रेस्पिरेटरी सरफेस पजल्स दिस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। भाई रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है वो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है? उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो थिन और वेट भी होगी, परमिएबल भी होगी, यानी गैसेस को परमिशन देगी आने जाने की, और ज़्यादा होगी, लार्ज होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो हमसे 20 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है? तो ये ऑल ऑफ दीज। और अगर रेस्पिरेटरी सरफेस जितनी गीली होगी और बारीक होगी ना, उतने आराम से गैसेस चेंज होंगी। इंस्पायरेशन में क्या होता है? इंस्पायरेशन के अंदर आपके इंटरकॉस्टल्स मसल्स और डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम एक इस तरह की कैविटी होती है जो क्या कर रही होती है, जो आपके एब्डोमिनल कैविटी को जो ऊपर चेस्ट कैविटी होती है उससे अलग कर रही होती है। तो इन दोनों की कॉन्ट्रेक्शन से हमारे पास इंस्पायरेशन होती है। और एक्सपायरेशन में क्या होगा? इंटरकॉस्टल मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन की रिलैक्सेशन होगी और डायफ्राम की भी रिलैक्सेशन होगी, ठीक है? और जो रिब्स हैं वो आउट इनवर्ड मूव करेंगे। इसके अंदर जो रिब्स मूव करेंगे वो इसके अंदर आउटवर्ड करती हैं और उसके अंदर इनवर्ट करती हैं, ठीक है? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को दो तीन चीज़ें क्लियर हो जाए। लैरिंग्स कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, कहाँ पे मौजूद होता है? लैरिंग्स है वो ट्रेकिया में मौजूद होता है। लैरिंग्स होता है क्या? लैरिंग्स साउंड बॉक्स होता है, बात आप लोगों को बताएगा। इसके अंदर सी शेप कार्टिलेजेस लगे हुए होते होंगे, ठीक है? नाउ द रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन इज, ह्यूमन्स की रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है? अच्छा भाई, इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग, अगर ब्रीथिंग रेट के अंदर इंक्रीज आ जाए तो क्या होता है? अगर देखो आप दिलेली सांस लोगे ना तो ऑक्सीजन अभी आई नहीं होगी, क्या आप पहले से बाहर निकाल दोगे कार्बन डाइऑक्साइड? तो ज़्यादा जो आपके ब्लड के अंदर मौजूद हो जाएगी ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, ठीक है? अच्छा भाई, ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर एल्वियोलाई डीजनरेट हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए, मरने को आ जाए, उसको हम लोग एम्फिजीमा कहते हैं, ठीक है? एम्फिजीमा कह ली यही कहते हैं, ठीक है? अच्छा भाई, ब्रोंकाइटिस, सबसे पहले ब्रोंकाइटिस समझो। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूज जाना। ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर एयर पैसेज इन्फ्लेम हो जाए, सूज जाए, तो उसको हम लोग ब्रोंकाइटिस कहते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर ब्रोंकाई इन्फ्लेम कर जाए, वो हमारे पास ब्रोंकाइटिस होता है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायर होता है? गैसेस का एक्सचेंज। अभी हमें ऊपर एक MCQ सॉल्व करके आए हैं। रेस्पिरेशन तमाम इंसानों में, जानदारों में, प्लांट्स में, हर किसी में होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में होता है, वो भी प्लांट्स के ओनली, हम में नहीं हो रहा होता,
ठीक है, हम क्योंकि हम हीटरोट्रॉफ्स हैं, हम अपनी एनर्जी खुद नहीं बना सकते। प्लांट्स क्या है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है, अपनी एनर्जी खुद बना सकते हैं। रेस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होती है, यानी कि ऑक्सीजन को आप अंदर लेके जाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को गिवन आउट करते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को गिवन आउट करते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मोस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स थ्रू, मैंने बताया टेरेस्ट्रियल प्लांट ज़मीन पर जो पौधे पाए जाते हैं उसके अंदर जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के जरिए होता है। ठीक है, एनिमल यूज देयर बॉडी सरफेस और सम इंटरनल सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हम लोग जो है वो हम अपने बॉडी के सरफेस को यूज़ करते हैं, इंटरनल सरफेस, बॉडी सरफेस यानी कि स्किन, स्किन से भी हो रहा होता है। तो बच्चों अगला देखेंगे, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है। रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी थिन, रेस्पिरेटरी सरफेस थिन होनी चाहिए, वेट होनी चाहिए, परमेबल, ये सारी चीज़ें अभी मैंने करा दी हैं। ठीक है, एक एक जल्दी का ओवरव्यू, अगर मैं अब आप लोग को इस चीज़ को अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन कराऊंगी एक तो बोर हो जाओगे, फिर जितना मैं कराना चाह रही हूँ उतना कर नहीं पाओगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस जो मैन का होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो एल्वियोलाई होता है और वो कहाँ मौजूद होते हैं, लंग्स के अंदर, ये याद रखना। दोनों लंग्स के अंदर बेटा मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, अगर आप उन तमाम एल्वियोलाई को खोल खोल कर रख दो ना तो इतनी बड़ी शीट बनेगी कि वो आपसे 20 टाइम्स ज़्यादा होगी बड़ी। ठीक है, एयर पैसेज वे वेस्ट लीड द एटमोसफेयर एयर टू एल्वियोलाई, एयर पैसेज वे जो होते हैं वो एटमोसफेयरिक एयर को एल्वियोलाई तक ले आते हैं। एयर पोल्यूशन कॉजेज नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एयर पोल्यूशन जो होते हैं इनसे बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। भाई आप लोगों ने सुना है सबसे ज़्यादा तो सांस की बीमारी, ठीक है, सांस लेने में जो दुश्वारी हो रही होती है सब लोगों को, जो कराची में बहुत कॉमन है। ठीक है, अब आप लोगों ने बताना है कि वो क्या है। ठीक है, अच्छा भाई लास्ट MCQ देखेंगे। क्लीन एयर इज एसेंशियल फॉर बेटर रेस्पिरेटरी हेल्थ, अगर आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रखना चाहते हो तो मेरा बेटा आपको अच्छी हवा की ज़रूरत है। जब ही कहते हैं कि सुबह सुबह फजर में उठ के लंबी लंबी सांसें लीजिए ताकि अगर कोई भी आपको इंटरनली कोई इशू है तो वो सही हो जाए। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक सेकंड का पॉज लूँगी मैं इसके अंदर। नाउ लुक एट दीज MCQs, वी हैव द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड इज, भाई देखो अगर किसी भी चीज़ की इंटरनल कंडीशन है ना उसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, ऐसा मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो इंटरनल इन्वायरमेंट को उस मेंटेन रखे, मतलब उसको उस लिमिट पर रखे जिस लिमिट पर उसको होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारा टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है तो वो उसको उतना ही रखे, अपना इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से चेंज ना करें, उसको हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर को रिमूव करना, बेटा ये ट्रांसपायरेशन नहीं होता है, ये गटेशन में भी आ जाता है, इसके गटेशन भी आंसर हो सकता है, लेकिन अब इन्होंने आप अगर दोनों गिवन हो ना, गटेशन और ट्रांसपायरेशन, ना लुक एट दीज वी हैव, मैं बात कर रही थी कि अगर हमारे पास गटेशन और ट्रांसपायरेशन हो तो, अच्छा भाई करने बगैर इंटरनेट के तो सही है ना, करने दो ना भाई, क्या है हमारी मर्जी, हमारा फ़ोन है, पता नहीं क्या होगा इन लोगों का, जैस वालों का। आगे देखें बेटा, गटेशन और ट्रांसपायरेशन का मैंने आपको फ़र्क बताया, अगर वो लोग रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर में आपको दोनों ऑप्शन दे दें और बोथ ए एंड बी दे तो दोनों लगा देना, लेकिन अगर वो कोई भी ना दे तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ट्रांसपायरेशन लगाओगे। ऐसे प्लांट्स जो कोस्टल एरियाज़ के पास होते हैं यानी कि समंदर की सतह पे होते हैं बेटा, वो हेलोफाइट्स होते हैं। हेलो का मतलब क्या होता है, सॉल्ट। ठीक है, ज़ीरोफाइट कहाँ पे पाए जाते हैं, ज़ीरोफाइट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, जैसे कैक्टस वगैरह है हमारे। एपीफाइट अभी आप लोगों का नहीं है, हाइग्रोफाइट को भी अभी इग्नोर कर दें। नाउ वी हैव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज़ कंसीडर्ड, देखो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना बेटा थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। अगर आप बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन सिस्टम को यानी कि यूरिनरी सिस्टम को मेंटेन कर रहे होगे उसके हिसाब से तो एक्सक्रीशन है। अगर आप बॉडी के अंदर के सॉल्ट और क्या कहते हैं सॉल्यूट्स जो हैं उनको और वाटर को बैलेंस करोगे तो मेरा बेटा वो हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन है। ये जो मैं बताती जा रही हूँ ना वर्बली आप लोगों को, बेटा ये लिखते जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अगला देखें, द किडनी इज इनक्लोज इन अ मैम्ब्रेन, किडनी जिस मैम्ब्रेन से, ये किडनी है आपकी, इसके ऊपर एक मैम्ब्रेन चढ़ी हुई, एक कवरिंग, उस कवरिंग को बेटा हम क्या कहते हैं, उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, अगर आपका हार्ट है, आपका दिल है,
अभी अजीब सा दिल है, इसको ऊपर जो भी मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होगी इसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम कहेंगे। ठीक है, पेरिकार्डियम किसकी मेम्ब्रेन होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्या कहते हैं हर्ट की होती है। प्लूरल मेम्ब्रेन किसकी होती है मेरा बेटा, लंग्स की होती है। और प्लूम्यूल जो होता है ना, ये सीट का एक पार्ट होता है, अब आप बताएंगे कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा भाई, ब्लड कैपिलरीज जो होती है स्किन के कौन से प्लेस में पाई जाती है, मेरा बेटा डर्मिस में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा भाई, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन टेक प्लेस, नेफ्रॉन के अंदर जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है बेटा, वो एक ऐसा लूप ऑफ हैंडले होता है उसके अंदर होती है। अब एक स्ट्रक्चर याद रखोगे, सबसे पहले आता है बोमन कैप्सल। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद क्या कहते हैं, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैंडले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर है ना इसलिए। नाउ अगला देखें, नाउ लुक एट अनदर एमसीक्यूज, विच इज़ द हार्मोन ADH रिलीज फ्रॉम। हार्मोन ADH जो है वो कहाँ से रिलीज होता है मेरा बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन का ना एक छोटा सा पी साइज होता है, ठीक है, इतना याद रखना है बस। ADH की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, ये भी याद रखो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर नॉर्मल क्या, अभी बताया था 137 सेंटीग्रेड। फिल इन द ब्लैंक्स, देखो होम्योस्टेसिस क्या आएगा, पूरी डेफिनेशन गिवन है, और आपको पूरी डेफिनेशन दे के पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या आएगा, अभी अभी पढ़ के आने, होम्योस्टेसिस आएगा। ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल कंडीशन को एक सिस्टम के जरिए मेंटेन करते हैं मेरा बेटा, वो फीडबैक मैकेनिज्म होता है। फीडबैक मैकेनिज्म दो होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपके पास तीन एस्पेक्ट्स होते हैं होम्योस्टेसिस के, कौन कौन सा, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, और ऊपर मैंने तीनों एक्सप्लेन किए, और यहाँ चौथी पाँचवीं और छठी ब्लैंक्स में भी तीनों एक्सप्लेन है। ऑस्मोरेगुलेशन में क्या मेंटेन होता है, वाटर और सॉल्ट, मैंने आपको बताया था। थर्मोरेगुलेशन के अंदर क्या मेंटेन होता है, टेम्परेचर। अब ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर वाटर और सॉल्ट जो मेंटेन हो रहा है ना मेरा बेटा, वो ऑस्मोसिस के जरिए हो रहा है, ये दो MCQs इसके अंदर आ रहे हैं। थर्मोरेगुलेशन के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है मेरा बेटा, वो एंजाइम्स के थ्रू हो रहा है। एक्सक्रीशन के अंदर जो मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट है वो रिमूव हो रहे हैं बॉडी से, वो यानी कि ये कैसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट बनता है, और ये जो एक्सिक सब्सटेंस होता है बॉडी से रिमूव हो जाता है। किसके जरिए होता है, किसके थ्रू होता है, तो मेरा बेटा ये आपका एक पूरा सिस्टम है, यूरिनरी ट्रैक्ट में आप लोगों को पढ़ा के आई हूँ, उसके जरिए NS या क्या कहते हैं उसके थ्रू आपके पास रिमूव हो जाता है। नाउ हाइड्रोफाइट्स, ऐसे प्लांट्स जो फ्रेश वाटर में पाया जाए, क्योंकि हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है। हेलोफाइट्स जो सॉल्टेज में पाया जाए। मीजोफाइट्स, मीजो का मतलब होता है मीडियम, ऐसे प्लांट्स जो मॉडरेट सॉइल में पाए जाए, यानी ऐसे सॉइल में पाए जाए जिसके ना पानी दरमियाना होना, ज़्यादा ना कम। ज़ीरोफाइट्स वो जैसे मैंने बताया जहाँ कम पानी हो, कैक्टस वगैरह। अच्छा भाई, इंसान के ऑर्गन जो होते हैं, द मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन होम्योस्टेसिस आर स्किन, लंग्स एंड किडनी। आपके जो मेन ऑर्गन्स हैं ना मेरा बेटा, जो होम्योस्टेसिस में इंक्लूड होंगे, वो से स्किन, लंग्स और किडनी है। ह्यूमन स्किन के तीन पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाला है, डर्मिस उससे नीचे, हाइपोडर्मिस उससे भी नीचे। हाइपो का मतलब भी बीनीत होता है, एपी का मतलब थोड़ा सा अबव होता है। डर्मिस के अंदर आपकी ब्लड वेजल्स पाई जाती हैं, एपिडर्मिस के अंदर आपके फैट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ना बॉडी टेम्परेचर, सॉरी एपिडर्मिस के अंदर आपके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं कुछ, जैसे बैरो रिसेप्टर्स वगैरह। हाइपोडर्मिस के अंदर आपके फैट्स पाए जाते हैं। ना व्हेन बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज इज द एक्सक्रीशन ऑफ द इरेक्शन, इरेक्शन का मतलब होता है बालों का खड़ा हो जाना, वाजो कंट्रेक्शन यानी कि जो आपकी नसें हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, उनका साइज़ अगर इतना है तो वो इतना कर लें। और स्वीट प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर क्या आ जाए, डिक्रीज आ जाए, यानी कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर कम हो रहा है, ठंड हो रही है ज़्यादा, तो आपकी जो वाजो कंट्रैक्शन होगी ना, इसकी वजह से ना ब्लड तेज़ी से फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, सर्दियों में होता है। आपके बाल खड़े हो जाएंगे ताकि आपके बालों के दरमियान जो है वो हवा जो है वो फंस जाए, और फंसने के बाद वो थोड़ी देर में गर्म हो जाए। ठीक है, अच्छा भाई, लंग्स कीप्स CO2 कंसंट्रेशन एट लो लेवल। लंग्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम रखेंगे, ज़ाहिर इनका काम ही यही ना,
किडनी क्या करती है, किडनी मेंटेन ब्लड कंपोजिशन, किडनी ब्लड कंपोजिशन को मेंटेन रखती है, कैसे उसके अंदर पानी का लेवल सॉल्यूट का लेवल मेंटेन रखती है, और जो उसके अंदर ख़राब चीज़ें होती हैंगी नाइट्रोजीनस वेस्ट होते हैं, ऐसे वेस्ट जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद हो जैसे अमोनिया हो गया, ठीक है, तो उनको दो प्रोसेसेस के थ्रू निकाल देती है, फिल्ट्रेशन और रीअब्सॉर्प्शन। नाउ किडनी आर सिचुएटेड एट डॉर्सल साइड, किडनी जो है मेरा बेटा वो डॉर्सल साइड पर है आपकी एब्डोमिनल कैविटी में यानी पेट की कैविटी के अंदर, ठीक है। अच्छा भाई नेफ्रॉन जो है, या देखो अब नेफ्रॉन जो है ना ये फंक्शनल यूनिट है, अगर मैं पूछूँ नेफ्रॉन सेल है या ट्यूब, तो मेरा बेटा याद रखना ये ट्यूब है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे पार्ट्स आ रहे हैं, बोमन कैप्सल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, तो ये सब बहुत सारे सेल्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। यूरिया, यूरिया कहाँ पे बनता है, यूरिया इज फॉर्म्ड इन लिवर एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम किडनी, ठीक है। मिक्सचर ऑफ यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एंड वाटर, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड इन सबका मिक्सचर यूरिन कहलाता है। किडनी स्टोन इज अ सॉलिड मास, किडनी स्टोन जो है वो सॉलिड मास है, किससे बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट या कार्बोनेट क्रिस्टल से, ज़्यादा ये वाला आंसर लिखना अगर आपसे, वैसे तो इसका आंसर किडनी स्टोन है, लेकिन अगर वो आपसे किडनी स्टोन देके आंसर मांगे ना कि किससे बनता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट लिखना। कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑक्सलेट किस में पाया जाता है मेरा बेटा, ऑक्सलेट बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड होता है जो टोमेटोज के सीड में पाया जाता है, ठीक है, स्पेनिश में पाया जाता है। किडनी फेलियर पेशेंट जो होते हैं उनको डायलिसिस मशीन के थ्रू ना, उनको उनकी किडनी को फंक्शन जो होता है उनकी किडनी का, वो डायलिसिस मशीन करती है, इसलिए आपने देखा होगा कि JDC जो है वो बहुत सारे डायलिसिस मशीन लगवाता है, डायलिसिस सेंटर बनवाने, क्यों, क्योंकि मसला डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, मैं एक सेकेंड का अगेन पॉज लूँगी, फिर हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मेरा बेटा कोई भी कन्फ्यूजन हो रही हो ना मुझसे इनबॉक्स में पूछ लेना। अच्छा भाई नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द एक्टिविटी इन रिलेशन टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट, रिलेशन एनवायरनमेंट के अंदर अगर चेंज आ जाए तो बेटा आपको कैसे पता चलेगा, स्टिमुलस आएगा, ठीक है, और रिस्पॉन्स आप उस पर देंगे, तो बोथ ए एंड बी। स्टिमुलस जो होता है वो कौन डिटेक्ट करता है, मेरा बेटा रिसेप्टर डिटेक्ट करता है। इफेक्टर क्या करता है, इफेक्टर उस रिसेप्टर के उसके जवाब में कुछ काम करता है। अच्छा अब इन दोनों जब ये काम चल रहे होते हैं ना, तो रिसेप्टर लेकर आता है हमारे ब्रेन के पास, और फिर वो ब्रेन जो होता है वो सिग्नल भेजता है किसी ग्लैंड के पास, वो जो इफेक्टर होता है हमारा। ये जो ब्रेन के पास आता है ना बेटा, यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेशन चलती है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू, जिसको हम नर्वस कहते हैं, नर्वस सिस्टम, ठीक है। द केमिकल्स रिलीज फ्रॉम वन सेल एंड कैरी टू सिग्नल सोम डिस्टेंट सेल थ्रू ब्लड आर, भाई ऐसे केमिकल जो एक सेल से रिलीज हो, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड या किसी से भी रिलीज हो रहे हैं, और फिर वो आपकी बॉडी में वर्क करें तो वो हॉर्मोन्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर मेरा बेटा ब्रेन से रिलीज होते हैं। इंजाइम का वर्क कैटालाइटिक होता है, तो अब आप इसके अंदर डिफरेंस याद रखिएगा। उनके वी हैव द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एग्जिबिटेड बाय प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता है जैसे आप लोग, नहीं मेरा मतलब है सॉरी आप लोग तो ह्यूमन नहीं, चलें ठीक है ठीक है। प्लांट का सॉरी ब्रेन का वो पार्ट जो रीजनिंग में इन्वॉल्व हो बेटा, वो फ्रंटल लोब होता है, ठीक है, जो जैसे रीजनिंग होती है ना किसी चीज़ की रीजन वगैरह में इन्वॉल्व हो, वो फ्रंटल लोब होता है। ऐसा ब्रेन का पार्ट जो बैलेंस आपकी बॉडी के बैलेंस को या प्रिकॉशन जो है उसकी जो आपकी मूवमेंट है उनको सही रखे, मेंटेन करे, वो सेरिबेलम है, ठीक है, सेरिबेलम और सेरिब्रम में डिफरेंस रखेगा। वाइटल फंक्शन जो होते हैं एनिमल्स के, वो कौन से सिस्टम से रेगुलेट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ रिफ्लेक्स सेक्शन, ये रिफ्लेक्स सेक्शन है, ठीक है, वो कितने न्यूरॉन्स पे कंसिस्ट होता है बेटा, 2 न्यूरॉन्स पे कंसिस्ट होता है। कौन कौन से होते हैं वो, अफेक्टर और सेंसरी इंटर न्यूरॉन्स को हटा के, और वो दूसरा वाला मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, सेंसरी तो सबसे पहले आ जाएगा, इंटर न्यूरॉन्स दरमियान में आता है, अगर इंटर न्यूरॉन्स को हटा दो तो उसके बाद वाला जो न्यूरॉन है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में बता दूँगी, मुझे याद आ जाएगा, एकदम सारा पढ़ा रहे होते हैं ना तो आगे पीछे हो जाता है। आपकी आई के अंदर कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अगर मुझसे फिजिक्स पढ़ी है तो ये बात तुम लोग को पता होगी। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ये होता है कि जो भी रेज आ रही है ना उन सबको एक पॉइंट के ऊपर जमा कर दिया जाए। अगर
ऑटोमेटिक प्रोसेस जिसके अंदर आपके जो, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो आपकी जो, अगर गौर से देख रहे हो तो आपका लेंस छोटा हो रहा है आपका, अगर आप बस दूर से देख रहे हो तो लेंस बड़ा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हो रही होती है, आपका लेंस छोटा बड़ा हो रहा होता है। इस चीज़ को हम अकोमोडेशन कहते हैं। आपको प्रॉपर देखने के लिए एक विटामिन चाहिए होता है, मेरा बेटा वो विटामिन ए है, तो ऐसी डाइट्स लिया करें जिसके अंदर विटामिन ए मौजूद हो। एक कलर ब्लाइंड पर्सन जो है वो कौन सा कलर नहीं देख सकेगा, वो रेड में फ़र्क नहीं कर सकेगा, अगर रेड की जगह ब्लू होता है तो ब्लू भी लिख सकते हैं, ग्रीन भी लिख सकते हैं। किताबुल मनाज़िर एक बुक हैगी, यानी कि बुक ऑफ आइज़ या बुक ऑफ ऑप्टिक्स जो है वो किसने लिखी, मेरा बेटा वो इमनुल हाइतम ने लिखी है। सेंसरी हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन, सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये आई का एक पार्ट होता है, कॉकलिया इसमें मौजूद होते हैं, कॉकलिया में होते हैं, कंफर्म करो बच्चों कॉकलिया में होते हैं। चलो भाई इनबॉक्स पे कंफर्म करना शुरू करो जल्दी से। द गुनेट्स आर द टारगेट ऑर्गन फॉर, गुनेट्स जो है वो टारगेट ऑर्गन होता है किसका बेटा, FSH और LH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए, ठीक है, बोथ ए एंड बी। इनकी फुल फॉर्म याद रखना बच्चों। नाउ द चेंज और स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय, देखो कोई भी चेंज आ जाए रिसेप्टर बताएगा, ठीक है। अच्छा भाई रिसेप्टर जब चेंज देगा तो आपके जो दूसरे ग्लैंड से ऑर्गन होंगे वो उसके जवाब में कोई फंक्शन करेंगे जिसको हम अफेक्टर कहेंगे। दो टाइप की कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल और नर्वस। न्यूरॉन्स होते हैं उसकी स्टिमुलेशन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स से डिपेंड करती है। लोअर ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स वगैरह होते हैं जैसे आप लोग हैं वो सब क्या करते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। दिमाग की कमी है ना भाई। ह्यूमन जो होते हैं उनका दूसरे वर्टिब्रा यानी कि मेरा जो है, मेरा कौन सा, मेरा सेंट्रलाइज टाइप नर्वस सिस्टम है CNS से, क्यों, क्योंकि मेरे पास दिमाग है, ठीक है। अब ये अब आप लोगों का दिमाग है, अगर है तो घुटनों में है ये नहीं है, ये अब आप लोगों को पता है, ठीक है, कौन केमिकल कोऑर्डिनेशन कर रहा है, कौन अपने घुटनों पे जोर देता है। ब्रेन इज़ अ मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी, ब्रेन जो है वो मेजर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है हमारी बॉडी का। नाउ अब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अच्छा भाई बच्चों लुक एट दिस, इरीटेशन जो स्टिमुलस की वजह से कॉज हो बेटा उसको हम कहते हैं मूवमेंट, क्या कहते हैं मूवमेंट, ठीक है। अच्छा भाई फ्रेमवर्क जो किसी भी बॉडी को शेप दे स्ट्रक्चर दे वो स्केलेटन होता है, हड्डियों का ढांचा, ठीक है, जो कमज़ोर लोग होते हैं। कार्टिलेज जो होते हैं वो किससे बना होता है, कॉन्ड्रियोसाइट से बना होता है। ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, जो बोन सेल्स होते हैं। कैनोसाइट्स जो होते हैं ये आप में नहीं पाए जाते, स्पंजेस में पाए जाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट का काम दूसरा होता है, अभी आप मुझे बताएंगे ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट इन दोनों का क्या काम है, ठीक है। द हेड ऑफ फीमर का जो हेड होता है वो किससे अटैच होता है, मेरा बेटा पेल्विक गर्डल से अटैच होता है। पेल्विक गर्डल्स कहाँ पाई जातीगी, आपके जो नीचे एब्डोमिनल कैविटी के पास जो आपकी बोन हैगी इस तरह की शेप की, ठीक है, यहाँ पे आपकी फीमर जो है वो अटैच होती है, ठीक है। सबसे लार्ज मसल आर्म का, हाथ का, वो बाइसेप होता है, आपको होता है हाथ के अंदर दो पाए जाते हैं बाइसेप और ट्राइसेप बस, और जो बड़ा वाला है वो बाइसेप है। द बैंड ऑफ टफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज़, ऐसे बैंड जो टफ फाइबरस और कनेक्टिव, यानी बस ऐसे समझ लो कि ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज़ जो बोन और जॉइंट्स को आपस में अटैच करें वो टेंडन होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई कुछ बच्चे होते हैं उनकी टांगे जो होती है ना वो ऐसी हो जाती है, बोर शेप हो जाती है, इस तरह की हो जाती दोनों, और मैंने ऐसे बच्चे देखे हुए भी हैं। मेरा बेटा ऐसे बच्चों को चलने में बहुत मसला होता है, और ये क्यों होता है, क्योंकि उनकी हड्डियाँ जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, किस वजह से, उनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है और उनकी जो बीमारी होती है वो रिकेट्स कहलाती है। रूमेटिक फीवर क्या होता है, ये ऐसा फीवर होता है जो वायरस की वजह से हुआ हो, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर आपको वुमेंस में देखने को मिलती हैंगी, और ये किस वजह से होती है, इनके अंदर एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उसकी कमी आ जाती है इस वजह से। ऑस्टियोआर्थराइटिस बोन्स का आर्थराइटिस, इन्फ्लेम कर जाना जॉइंट्स का, ठीक है। अच्छा भाई द मसल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्ट्रेटन द लिम, ऐसा मसल जो आपकी लिम को सीधा करवाता है बेटा, एक्सटेंसर होता है, तो बैंड कौन सा करवाएगा, फ्लेक्सर। अच्छा भाई ऐसे पेयर जो एक दूसरे का अपोजिट वर्क कर रहे हैं जैसे फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, तो इनको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। नाउ अगला देखो, द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैविंग अ लिविंग मटेरियल, हमारा देखो सेल के अंदर ना न्यूक्लियस है, ठीक है,
न्यूक्लियस के बाहर जो है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म है, और ये हमारा उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन है बेटा, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल क्योंकि नॉन लिविंग होती है, ठीक है, और यही वो काम वो होता है जो क्या कहते हैं काम करता है, यानी कि लिविंग मटेरियल होता है आपकी बॉडी का, और इसी की वजह से क्या होती है इरिटेबिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा भाई, क्रैम्प्स, ऐसा क्रैम्प्स होते हैं एकदम से दर्द उठना, ठीक है, ये क्यों होता है क्योंकि एकदम से ना कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं जिसकी वजह से इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है, यानी ऐसा फंक्शन जो आपके कंट्रोल में ना हो, इनवॉलेंट्री आता है वो, इनवॉलेंट्री उसको कहते हैं जो आपके कंट्रोल में ना हो। किसकी एग्जाम्पल है ऑटोनॉमिक या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, यानी कि ऑटोनॉमिक खुद से हो जाने वाली, ठीक है, एक होती है जो आप करवाते हो यानी कि ड्यूज होती है, और एक होती है जो खुद से हो जाती है। नाउ रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है का, रिफ्लेक्स एक्शन किसकी एग्जाम्पल है मेरा बेटा, पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट की है, ठीक है, यानी ये आप चाहोगे तो ही होता है ना, ठीक है। द टाइप ऑफ मूवमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स प्लेस आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस, जिसके अंदर इंसान कोई भी चीज़ है वो अपनी अपने प्लेस को चेंज कर ले बेटा, वो लोकोमोटिव मूवमेंट आएगी, टैक्सेस होगी, आप उसको टेक्टिक भी कह सकते हैं। टाइप ऑफ मूवमेंट वेयर चेंज इन ऑस्मोटिक वाटर अकर ड्यू टू स्टिमुलस इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट ऑर्गेनिज्म मूव टूवर्ड और अवे ब्राइट, अगर आप किसी भी ग्रोइंग ऑर्गन से दूर या पास जाए तो ट्रॉफिक मूवमेंट है, ठीक है। अच्छा भाई, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट यूजुअली फाउंड इन प्लांट्स फंजाई एंड बैक्टीरियल कॉलोनी, ट्रॉफिक मूवमेंट आ गई। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट यूजुअली फाउंड इन एनिमल्स बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, एनिमल्स आ गया ना तो बेटा याद रखना लोकोमोटरी मूवमेंट, ठीक है। ग्रोथ ऑफ रूट्स टूवर्ड्स वाटर एंड मिनरल, प्लांट्स की वाटर और मिनरल की तरफ ग्रोथ होना, या स्टेम का लाइट की तरफ जाना, किसी स्टिमुलस की तरफ ग्रोथ हो रही है ना तो ये ट्रॉफिक मूवमेंट आ गई। प्लांट्स जैसे टच मी नॉट है वो अपने लीव्स को क्लोज कर लेती जब आप उसे हाथ लगाते हो, तो नेस्टिक मूवमेंट आ गई। स्केलेटन जो होता है ये, अगर स्केलेटन फ्लूइड से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है, तो हाइड्रोस्टेटिक है, ठीक है, और हाइड्रोस्टेटिक किस में पाया जाता है, जेलीफिश अर्थवर्म वगैरह में, ठीक है। अच्छा भाई, स्केलेटन डिपॉजिट आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गन, अगर जैसे कॉकरोचेज है उनके स्केलेटन बाहर होते हैं तो वो एक्सोस्केलेटन होता है। ऑर्थोपोड्स या मोलस्कस के अंदर पाए जाते हैं एक्सोस्केलेटन, हमारे अंदर कौन सा होता है, हमारे अंदर एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्केलेटन डेवलप, इसका आंसर एक्सोनियस का आंसर एंडो है, ठीक है, गलत लगा भाई। अच्छा भाई, डैश ऑफ आर बोन्स डिजॉल्व अवे एनुअली, हमारी बोन जो होती है ना बेटा वो हर साल ना क्या होती है 5-10% ना डिजॉल्व हो जाती है, यानी आप देखते हैं कुछ बच्चे होते हैं उनका हाइट ना बड़े हो जाते हैं लेकिन वो छोटे होना शुरू हो जाते हैं, ये बेसिकली आपको एजेड लोगों में देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या होता है मेरा बेटा, इसके अंदर ना आपकी जो पुरानी बोन्स होती है ना वो बोन्स थोड़ी सी ना टूटती हैं, और उनके टूटने की वजह से नई बोन्स बनती हैं, जिसको हम कहते हैं रीमॉडलिंग। एक सेकेंड रुकेगा, मेरे पास कॉल आ रही, हो सकता है आप लोगों को मेरी आवाज़ ना समझ आई हो, बस एक सेकेंड रुके। अच्छा भाई, रीमॉडलिंग ऑफ बोन हीलिंग अकर ड्यूरिंग 6 वीक, 6 वीक में होता है ये, ठीक है, अगर बोन हीलिंग का दौरान हो तो, ठीक है। एल्बो, नी और फ्लेंजेस, फ्लेंजेस कहाँ पे पाई जाती हैं आपकी जो क्या कहते हैं फिंगर्स की बोन होती है ना उसको फ्लेंजेस कहते हैं। ये किसकी एग्जांपल है बेटा, ये है। अच्छा भाई, एल्बो, नी और फ्लेंजेस का जो जॉइंट होता है बेटा वो हिंज जॉइंट होता है, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट जो होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, क्योंकि ना ये आप समझ लो ये सॉकेट है और ये आपकी फीमर आके इसमें अटैच हो रही है तो ये बॉल हो गया, ये आपके हिप जॉइंट भी पाया जाता है और शोल्डर जॉइंट में भी पाया जाता है, ठीक है। वर्टीब्राए के अंदर कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं बेटा, ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैंगे। आपकी रिस्ट के अंदर जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो स्लाइडिंग जॉइंट होते हैं। आपकी एल्बो जॉइंट जो होता है वो कैसा होता है, पाइवोट होता है, ठीक है। दे आर इनवॉलेंट्री नेचर, ये वो मसल्स है जो इनवॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये जो कंट्रोल करता है ना साइनो आर्क्यूलर नोड करता है बेटा। साइनो आर्क्यूलर नोड से भी आप कार्डियक मसल कह सकते हो और इनवॉलेंट्री से भी आप कार्डिक मसल कह सकते हो, बिकॉज स्केलेटल मसल्स जो होते हैं और स्मूथ मसल्स होते हैं उनकी कहानी अलग ही होती है, क्योंकि इनवॉलेंट्री मसल्स तो स्मूथ भी होंगे लेकिन बेटा उसके वो साइनो आर्क्यूलर नोड से नहीं हो रहे होते हैंगे, ठीक है। बॉडी के अंदर जो वियर और टीयर हो रहा होता है, ठीक है, जॉइंट्स का,
और जॉइंट्स इंजरी हो जाए, ओबेसिटी हो जाए यानी कि वज़न बढ़ जाए, या आप बहुत ज़्यादा वज़न बर्दाश्त कर लो, नीज़ का, हिप जॉइंट का कोई भी मसला हो, तो वो किस में आता है बेटा? ऑस्टियोआर्थराइटिस में आता है। ये वेयर टियर होता है जॉइंट्स का। इट इज़ ड्यू टू इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि रिदमोइड आर्थराइटिस, जो किसकी वजह से होता है? वायरसेस की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा भाई, इस डिसऑर्डर के अंदर जॉइंट और स्किन जो है वो अफेक्ट होती है, वो पैरासोटिक आर्थराइटिस होता है। एग्जाम आप फिंडा ब्लैंक देख लो। मूवमेंट किस वजह से होती है? इरीटेशन की वजह से होती है। लोकोमोटिव मूवमेंट जो होती है उसके अंदर स्केलेटल सिस्टम या पूरी बॉडी मूव करती है। ऑस्टियोपोरोसिस अभी बताया था, फीमेल में ज़्यादा कॉमन है। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है। स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी स्पेशली लिम्स। स्केलेटन जो होता है वो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्पेशली आपके हाइंड लिम्स और पेल्विक गर्डल, आपके जो पांव का हिस्सा होता है वो, ठीक है।